सो ये क्या हाल चाल। तो गाइस आप लोग अगर वीडियो पर क्लिक कर दियो तो सो वीडियो को जो है ना फुल एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग का भाई जो है ना कुछ इस टाइप से सीबी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है, जो कि ब्रोकन फोटो एडिटिंग है। देख सकते हैं आप लोग कितना रियलिस्टिक लग रहा है देखने में हमारा फोटो, एंड मैंने अपने बॉडी के ऊपर कुछ इस टाइप से टैटूज कैसे लगाए, सारा कुछ आज के वीडियो में आप लोग को राज बताने वाला हूँ। फोटो कितना ही जूम करो जो है ना फोटो जो है ना बिल्कुल भी नहीं फटने वाला है। सो आज के वीडियो में आप लोग का भाई यही सिखाने वाला है। तो सबसे पहले मैं जान आप लोग को अपना ओरिजिनल जो फोटो रहता है, मैं सिंपली अपना ओरिजिनल फोटो यहाँ से ले चलते हैं अपने सिर्फ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ओके प्यारे दोस्तों, इतना सा प्रोसेस आप लोग को कर लेना है। सो देन आफ्टर यहाँ पर आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ से इफेक्ट्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा। एंड आप लोग हल्का सा स्क्रॉल करेंगे ना तो आप लोग के सामने यहाँ पर आप लोग को आर्टिस्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। सिंपली उस वाला आइकॉन पे क्लिक करके फेदर वन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड कुछ सेकेंड्स लोडिंग लेने के बाद इसका फेड जो है आप लोग को अराउंड 86 रख के मल्टीप्लाई कर देना है। इरेज वाले आइकॉन पे जाके सिंपली आप लोग को बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देना है। ओके वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। देन आफ्टर आप लोग को अगेन यहाँ से आप लोग को चले जाना होगा इफेक्ट वाले आइकॉन के अंदर। हल्का सा आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग के सामने ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन ओपन होगा, तो फर्स्ट वाले को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल इरेज वाले आइकॉन पे जाने के बाद इसे आप लोग को बैकग्राउंड कर देना है। ओके देन आफ्टर यहाँ से आप लोग को राइट वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग को फेस को व्हाइट करने के लिए रिटच वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा। एंड हल्का सा आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग के सामने स्किन टोन का ऑप्शन ओपन होगा, तो सिंपल स्किन टोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ से ये वाले कलर को हम ले लेते हैं। सो देन आफ्टर अपने फेस को जूम कर लेते हैं। एंड यहाँ से इसके ऑपोसिटी को 100 करके हार्डनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। देन आफ्टर आप लोग कुछ इस टाइप से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना होगा। आप लोग देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट सा हमारे फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो इतना सा प्रोसेस आप लोग कर सकते हो। ओके समझ सकते हो ना आप लोग बात को यार। आप लोग का भाई जितना बताता है सारा सच्चाई के साथ बताता है, इतना सा भी फ्रॉड नहीं बताता है। इसके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा रहता है। ओके मेरी जान, ना ही तो मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना ही तो मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ। लाखों में आप लोगों से मैं नहीं खेलता हूँ, मैं तो सिर्फ 1,500 या 100-200 सब्सक्राइबर्स है। इसके लिए जो भी बताता हूँ सारा सच्चाई बताता हूँ, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हो सारे फोटो एडिटिंग सीख जाए। ओके एंड आप लोग देख सकते हैं फोटो में कितना ज़्यादा बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं। अगेन आप लोग को हल्का सा स्क्रॉल करेंगे लिप्स को रेड करने के लिए, आप लोग को अगेन हेयर कलर वाले आइकॉन के अंदर आ जाना होगा। एंड यहाँ से आप लोग को जो है रेड कलर सेलेक्ट कर लेना होगा। इस कलर मिक्स पर जाके आप लोग को यहाँ से रेड कलर कलेक्ट कर लेना होगा। एंड यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन्वर्ट, आप लोग को कर लेना। एंड ब्रश वाले आइकॉन पे जाने के बाद आप लोग को अपने लिप्स के ऊपर कुछ इस टाइप से आप लोग को अप्लाई कर देना। ओके आराम आराम से करना आप लोग। एंड इसका सैचुरेशन फुल रख के इंटेंसिटी आप लोग अपने हिसाब से रख लेना 16 के अराउंड। देन आफ्टर आप लोग यहाँ से राइट वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से हम ले चलते हैं कुछ अपने PNGs ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो सिंपली ऐड फोटो वाले आइकॉन पे हम चले जाते हैं। तो यहाँ से सिंपली हम PNGs यहाँ से सारे PNGs हम ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम रेड वाला ले लेते हैं। एंड इसे कुछ इस टाइप से करने के बाद हल्का सा साइड में बिठा देंगे। हल्का सा स्क्रॉल करेंगे आप लोग के सामने ब्लेंड का आइकॉन ओपन होगा। तो सिंपल इसे जो आप लोग को स्क्रीन करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना के एक और आप लोग को साइड में जो है इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। ओके इतना सा प्रोसेस होने के बाद अगेन आप लोग को ऐड फोटो वाले आइकॉन के अंदर चले जाना होगा। काफ़ी सारे PNGs हैं तो देन आफ्टर आप लोग को ये वाला ले लेना होगा। आप लोग जितना सारा PNGs लगा हम प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपल इसे साइड में रख के हम ले चलते हैं इसे अपने हैंड के तरफ कुछ इस टाइप से हम एडजस्ट कर देते हैं। एंड ब्लड को लेके आके जहाँ पर आप लोग का एंडिंग में होगा ठीक वहीं आप लोग को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके राइट वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना। अगेन आप लोग को ऐड फोटो वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को चले आना है। सो यहाँ से मैं नाइफ वाला ले लेता हूँ जितना सारा PNG रहेगा। एंड आप लोग अपने हैंड के अंदर कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट कर लेना। ओके देन आफ्टर इसके ऑपोसिटी हल्का सा कम करके इरेज वाले आइकॉन पे चले जाना होगा। एंड आप लोग आराम से कुछ इस टाइप से आप लोग को जो है इरेज कर देना होगा। ओके मेरे जान इतना सा प्रोसेस आप लोग को करते रहना है। फेस स्मूथ का भी राज आज के सामने आज के वीडियो में खोलने वाला हूँ। तो इतना सा प्रोसेस होने के बाद सिंपल यहाँ से राइट वाले आइकॉन पे जो हम लोग क्लिक कर देते हैं। ओके देन आफ्टर अगेन ऐड फोटो वाले आइकॉन के अंदर चले जाते हैं। टैटूज कैसे लगाते हैं तो सिंपल यहाँ से मैं दो टैटू ले लेता हूँ जो कि आप लोग को दिखाया था मैं। तो एक को तो सिंपली मैं से एडजस्ट करके हल्का से इसका ऑपोसिटी में कम कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट टैटो को जो है मैं यहाँ से लेके आके अपने गर्दन के तरफ कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके इसकी ब्लेंड जो है इसका ब्लेंड जो आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। एंड इसकी ऑपोसिटी आप लोग अपने हिसाब से रख के इरेज वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को चले जाना होगा। एंड यहाँ से आप लोग जो है
अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। ओके प्यारे दोस्तों, सो इतना सा प्रोसेस आप लोगों को करते रहना आराम आराम से। मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग को जल्दबाजी में नहीं करना ना, तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके सो अगेन यहाँ से आप लोग को ऐड फोटो वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को चले जाना होगा। कुछ पीएनजी और है जो कि मैं ऐड कर लेता हूँ एक ही साथ सारे पीएनजी को। तो सिंपली मैं पीएनजी वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को चले जाता हूँ। देन आफ्टर यहाँ से मैं ले लेता हूँ आँख में से आंसू गिरने वाला ले लेता हूँ। सो सॉरी मैं कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं दो पीएनजी ऐड कर चुका हूँ। तो सिंपली ये जो आँख में आंसू लगाने के लिए सिंपली आप लोग को कुछ इस टाइप से अपने आइस के पास सेट कर लेना होगा। एंड आप लोग को यहाँ से अगेन आप लोग को इसे आप लोग को डुप्लीकेट पार्ट करके अपने दूसरे आई में जो इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। एंड ये जो आप लोग को इफेक्ट दे रहा हूँ ये जो है ना एकदम आप लोग को रियलिस्टिक लगेगा। तो इसे सिंपली हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग के सामने ब्लेंड का आइकॉन ओपन होगा। तो इसे सिंपली आप लोग को जो है मल्टीप्लाई करके इरेज वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना एंड जो फालतू पार्ट है उसे सिंपली आप लोग को जो यहाँ से आप लोग को इरेज कर देना। ओके सो इतना सा प्रोसेस आप लोग को जो है करते रहना है। आप लोग का भाई जिस टाइप से कर रहा है सेम उसी टाइप से आप लोग को करते रहना है। देन आफ्टर यहाँ से आप लोग को हल्का सा और स्क्रॉल करके आप लोग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन आफ्टर मेरे जान आप लोग को अगेन ऐड फोटो वाले आइकन पे चले जाते हैं। दो पीएनजीस और बचे हैं तो सिंपली मैं एक ही साथ वो पीएनजीस को सारे ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली इस दो पीएनजी का लिंक भी आप लोग को सारा पीएनजी जितना रहेगा साफ एक को तो आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट कर लेना। एंड जो टेक्स्ट पीएनजी है सिंपली आप लोग को इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। देन आफ्टर आप लोग को यहाँ से राइट वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। एंड इस फोटो को ले चलते हैं अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली सेव करके थ्री डॉट्स वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से सिंपली ले चलते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर कलर ग्रेड एंड फेस स्मूथ के लिए। तो सिंपली यहाँ से आप लोग को एक टूल्स का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कर्व का आइकॉन ओपन होगा। तो सिंपल उस पर क्लिक कर देते हैं एंड आप लोग को जो है बीच का पार्ट दिख रहा है तो सिंपल इसे पकड़ के आप लोग हल्का सा नीचे करना ऊपर करना तो आप लोग को फर्क दिखेगा। तो हल्का सा ऊपर करके जो है आप लोग को राइट कर देना है। अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन में आ जाना है एंड यहाँ से आप लोग को पोर्ट्रेट वाले आइकॉन पर आप लोग को चले जाना होगा। तो देन आफ्टर मेरी जान कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं। देन आफ्टर आप लोग को यहाँ से कहाँ चले जाना होगा अपने लेंस ब्लर वाले आइकॉन पे। तो सिंपली लेंस ब्लर वाले आइकॉन पे क्लिक कर देते हैं एंड इसे सर्कल सा बना के साइड में रख देते हैं एंड इसकी जो ब्लरनेस है हम अराउंड यहाँ से 7% रख लेना है। देन आफ्टर आप लोग को राइट वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना है एंड यहाँ से अगेन आप लोग को इस वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा। एंड यहाँ से जो व्यू एडिट्स पे क्लिक करके आप लोग इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोग के सामने थ्री आइकॉन्स ओपन होगा। तो सिंपल इस वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक करके अपने फेस को जो है जूम करना है। जूम करके आप लोग को इस टाइप से अप्लाई करना है। आप लोग का फेस जो होगा ना काफ़ी ज़्यादा HDR में स्मूथ होगा। अभी आप लोग को ख़राब दिख रहा होगा लेकिन जब फोटो आप लोग सेव करेंगे तो आप लोग को HDR में सेव होगा। ओके इतना सा प्रोसेस आप लोग को करते रहना। सो आप लोग को आराम आराम से अपने पूरे फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से आप लोग को अप्लाई करते रहना है। ओके मेरी जान तो इस टाइप से आप लोग को अप्लाई करते रहना जिस टाइप से आप लोग का भाई कर रहा हो। क्या आप लोग समझ सकते हो ना यार वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो वीडियो पर पहले हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक जरूर पहुँचे। ओके मेरी जान तो इतना सा प्रोसेस आप लोग का भाई जिस टाइप से आप लोग का भाई इधर कर आप लोग को करके दिखा रहा है तो उसी टाइप से आप लोग को भी जो है ना करते रहना है। ओके सो जो भी रहता है ना मेरे भाई सारा सच्चाई के साथ बताता हूँ मैं। आप लोग को लगता होगा कि डायमंड भाई जो है ना फेक बताता है लेकिन आप लोग को जो रहता है ना ओरिजिनल ट्रिक के साथ बताता है। तो सिंपल यहाँ पर अगेन आप लोग को टूल्स वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा। यहाँ से फेस को HDR में करने के लिए सिंपली डिटेल्स वाले आइकॉन पे चले जाते हैं। इसके शार्पनिंग को जो एकदम 100 आप लोग को कर देना है। ओके देन आफ्टर आप लोग इस फोटो की क्वालिटी देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। तो सिंपली इस फोटो को शेयर करके आप लोग को दिखा देते हैं कि किस टाइप से हमारा जो है फोटो HD क्वालिटी में हो चुका है। ओके मेरी जान सो ये रहा हमारा एडिट फोटो। आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी जो है बिल्कुल भी नहीं फट रहा है एंड आप लोग देख सकते हैं कितना बवाल तरीके आप लोग को जिस टाइप से थंबनेल में दिखाया था सेम उसी टाइप से जो है फोटो एडिट करके दिखा दिए हैं। मिलते हैं इससे भी खतरनाक वीडियो के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय।